एंट्री इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, हायर खरीदने वाला। बताओ हम लोग सबसे पहले, ये तुम लोग ना लॉन्ग टाइप में 15 मार्क्स में इसका थ्योरी आता है कि जर्नल एंट्री परचेजर का बुक में और वेंडर का बुक में क्या क्या होता है। सबसे फर्स्ट देखो, सबसे पहले हम लोग खरीदते हैं। देखो सबसे पहले अच्छा से नरेशन में लिख देंगे, सबसे पहले हम लोग खरीदेंगे तो लिखेंगे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, जो भी नाम देगा वो लिखेंगे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, जो भी ऐसे। अगर मान लो बिल्डिंग खरीदे तो लिखेंगे बिल्डिंग, या मशीन खरीदे तो मशीन, फर्नीचर खरीदे तो फर्नीचर, जो भी कर देंगे, ज्यादातर मशीन मशीन ही रहेगा इसमें, ठीक है। जो भी एसेट्स खरीदेंगे उसको क्या कर देना, डेबिट। और टू हायर वेंडर अकाउंट, टू हायर वेंडर, या नाम दिया रहेगा तो नाम लिखना, नाम दिया रहेगा तो क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे, ठीक है। यहां लिख देते हैं बींग एसेट्स परचेज्ड ऑन हायर परचेज सिस्टम, ठीक। पहला एंट्री क्लियर हो गया। यहां पर क्या लिखेंगे तो कैश प्राइस, क्या लिखेंगे, जितना में नगद रहेगा ना, कैश प्राइस दिया रहेगा क्वेश्चन में, हम लोग इसमें उसी को लिखेंगे। सेकेंड डाउन पेमेंट का, सेकेंड डाउन पेमेंट, ठीक है। डाउन पेमेंट मतलब क्या होता है, जो खरीदते हैं उसी समय जो पेमेंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डाउन पेमेंट। तो पाने वाला कौन हो जाएगा, हायर वेंडर, उसी पर पैसा दे रहे हैं हम लोग। हायर वेंडर मतलब बेचने वाला, तो बेचने वाला पैसा दे रहे हैं। टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट बीइंग डाउन पेमेंट मेड, ठीक है। हम डाउन पेमेंट क्या किए, किए जो भी दिया रहेगा अमाउंट लिख देंगे, ठीक। अब सुनो, दो एंट्री सिर्फ हम लोग का फर्स्ट ईयर होगा, इंटरेस्ट का होगा। तीन नंबर किसका होगा, इंटरेस्ट, इसके लिए एक्सपेंसेस है तो डेबिट करेगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। टू हम लोग इंस्टॉलमेंट के साथ ही इंटरेस्ट देंगे, इसलिए यहीं पे प्लस हो जाएगा। टू हायर वेंडर अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट पेड, पेबल लिखो, पेड नहीं लिखो, पेबल विथ इंस्टॉलमेंट, विथ इंस्टॉलमेंट, हम लोग इंस्टॉलमेंट के साथ हम लोग को इंटरेस्ट देना है। तो देखो फर्स्ट एंट्री हो गया खरीदने का, एसेट्स खरीदेंगे। सेकंड एंट्री हो गया डाउन पेमेंट का, याद रखना। तीसरा एंट्री इंटरेस्ट का करना, चौथा एंट्री करना इंस्टॉलमेंट का। सब नरेशन में लिख दे रहे तुम लोग का, किसका एंट्री है सब नरेशन में लिखा हुआ है। हायर वेंडर अकाउंट डेबिट, टू बैंक अकाउंट, टू बीइंग इंस्टॉलमेंट पेड, इंस्टॉलमेंट मनी पेड, ठीक है। बीइंग इंस्टॉलमेंट मनी पेड, ये हो गया किसका, इंस्टॉलमेंट का, ये हो गया इंटरेस्ट का, ये हो गया डाउन पेमेंट का, ये हो गया। और सीरियली सब जाएगा, जैसे जैसे लिख रहे हैं ना वैसे वैसे, ठीक। आगे देखो, ये अभी किसका बुक में लिख रहे हैं, सिर्फ हायर परचेजर। नंबर देखो डिप्रिसिएशन का, तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, जो भी एसेट्स रहेगा नाम लिखाएगा, बीइंग डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन एसेट्स, चार्ज ऑन एसेट्स, ये डिप्रिसिएशन का एंट्री होगा। जैसे जैसे बता रहे वैसे वैसे नंबर याद रखना, बाद में गिन भी लेंगे कितना कितना एंट्री होगा। छह नंबर, ठीक, क्वेश्चन नंबर, एंट्री नंबर छह डिप्रिसिएशन का हो गया। आप सुनो ध्यान से, यहाँ पर अब जो भी इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन है उसको प्रॉफिट एंड लॉस में भेजा जाता है। तो स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस जो लिखना, जैसा क्वेश्चन रहेगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट और टू इंटरेस्ट अकाउंट, बीइंग डिप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। देखो यहाँ पर ध्यान से सब, तो कितना एंट्री हो गया, पहला साल एंट्री हुआ ये फर्स्ट ईयर, इतना एंट्री होगा फर्स्ट ईयर, ठीक। तो कितना एंट्री हो गया, एक दो तीन चार पांच छह एंट्री हुआ ना, कितना एंट्री हुआ, छह। लेकिन प्रत्येक साल छह छह एंट्री नहीं होगा, ये दोनों एंट्री देखो ध्यान से, एक दो तीन चार, ये सब एंट्री रन करेगा, मतलब प्रत्येक साल होगा, ठीक है। अगर 3 साल है तो तीनों साल ये एंट्री होगा। मतलब बोलने का मतलब क्या है कि पहला साल छह एंट्री, अगर डिप्रिसिएशन रहा तो पहला साल छह एंट्री है, बाकी साल में चार चार एंट्री क्या होगा, अगर 2 साल और बनाना है तो चार चार एंट्री और होगा। ये जो जो रन लिखे वो सब एंट्री प्रत्येक साल होगा। अच्छा खरीदेंगे तो एक ही बार ना,
डाउन पेमेंट भी देंगे एक ही बार ना, इसलिए सब एक बार हुआ, और बाकी सब तो इंटरेस्ट प्रत्येक साल लगेगा, डिप्रिसिएशन प्रत्येक साल लगेगा, इंस्टॉलमेंट प्रत्येक साल देना है, इसलिए वो सब बार बार होगा जितना साल तक बोलेगा। लिख लो, इसके बाद बताते हायर वेंडर। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। हायर वेंडर मतलब कौन हो गया? बेचने वाला। हायर वेंडर मतलब क्या हो गया? बेचने वाला। देखो ये क्या करेगा, सबसे पहले सामान को बेचेगा, तो लिखेगा किसको बेच रहा है, पाने वाला कौन है? द हायर परचेजर। ठीक है, पाने वाला कौन है? हायर परचेज। नाम दिया रहेगा तो नाम लिखना, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू। ठीक है, क्या जो भी बेचेंगे उसको सेल्स लिखेगा, ये क्या लिखेगा? सेल्स, लेकिन हायर सेल्स लिखेगा। क्या लिखेगा? हायर सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन HPS, हायर परचेज सिस्टम पे इसको खरीदा है, बेचा है। ठीक है, यहाँ पर कैश प्राइस लिखाएगा, अमाउंट क्या लिखेंगे? कैश प्राइस। ठीक है, अमाउंट क्या लिखेंगे? कैश प्राइस। सेकंड, इसको डाउन पेमेंट मिलेगा तो एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू। इसको डाउन पेमेंट मिल रहा है, देने वाला कौन है? तो हायर परचेजर। हायर एंट्री तो स्टेप बाय स्टेप याद कर लेना है, हायर परचेजर अकाउंट। ठीक, बीइंग, देखो सब नरेशन में लिखते रहे किसका एंट्री है, बीइंग डाउन पेमेंट रिसीव्ड, बीइंग डाउन पेमेंट रिसीव्ड। ठीक है, तीन नंबर देखो, अभी भी वही इसी तरह से इंटरेस्ट का एंट्री करेगा, इंटरेस्ट इसके लिए प्रॉफिट है लेकिन इंस्टॉलमेंट के साथ मिलेगा, इसलिए यहां लिखाएगा हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू। ठीक है, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट रिसीवेबल। ठीक है, रिसीवेबल विथ इंस्टॉलमेंट, विथ इंस्टॉलमेंट। ठीक है, उसके बाद सुनो ध्यान से, चार नंबर। ठीक है, ये हो गया एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर हो गया इंटरेस्ट का, चार नंबर हम लोग का क्या एंट्री होगा? चार नंबर एंट्री होगा इंस्टॉलमेंट का, बैंक अकाउंट डेबिट। इसमें डिप्रिसिएशन नहीं लगेगा क्योंकि एसेट्स इसके पास नहीं रहता है, जिसके पास एसेट्स रहता है उसी के पास क्या लगता है? डिप्रिसिएशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट। ठीक है, हायर परचेजर अकाउंट बीइंग, ठीक है, बीइंग इंस्टॉलमेंट मनी रिसीव, बीइंग इंस्टॉलमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है, बीइंग इंस्टॉलमेंट मनी रिसीव्ड हो गया। इसके बाद पांच नंबर, तो देखो खरीदने बेचने का एंट्री हो गया, डाउन पेमेंट का एंट्री हो गया, इंटरेस्ट का हो गया, इंस्टॉलमेंट भी मिल गया। अब सब हम लोग का ट्रांसफर एंट्री होगा सिर्फ। ठीक है, सब क्या होगा? ट्रांसफर। देखो अब पीएल को ट्रांसफर, इंटरेस्ट को ट्रांसफर करो कहां पर? पीएल में, तो इंटरेस्ट क्रेडिट है यहां पर, यहां डेबिट हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा? डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल। इसमें डिप्रिसिएशन होता नहीं है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू पीएल, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक, लास्ट एंट्री, इसको भी ट्रांसफर करेंगे, सेल्स को कहाँ भेज देते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में, तो ऊपर लिखेंगे हायर सेल्स अकाउंट डेबिट टू। ठीक है, हायर सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, इसको ट्रेडिंग अकाउंट में भेजा जाता है क्योंकि हम लोग सेल्स कहाँ लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में ना, इसीलिए बीइंग सेल्स ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट। अब एक चीज देखो ध्यान से, यहाँ पर समझो कौन कौन एंट्री प्रत्येक साल होगा इसमें, तो देखो पहला साल इसमें भी छह एंट्री, उसमें भी छह एंट्री, इस तरह याद रखना कि एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होगा। हायर परचेजर में भी छह एंट्री पहला साल था, वेंडर में भी छह एंट्री, उसमें चार रिपीट करता था, इसमें तीन रिपीट करेगा, एक दो तीन, क्यों? क्योंकि सेल्स एक बार होगा तो उसका बैलेंसिंग फिगर को एक बार ही भेजेंगे, डाउन पेमेंट एक ही बार मिलेगा, बेचेंगे एक ही बार, इसलिए सब एक दो तीन एंट्री एक बार होगा सिर्फ पहला साल, और बाकी साल में चार तीन तीन एंट्री रिपीट करेगा। देखो रन लिख देते हैं, रन मतलब रिपीट करेगा। ठीक है, रन 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 लिख लो इसको। परचेजर का बुक में बोलेगा चार बनता है, कितना बनता है? चार, लेकिन ये मेन दो है। ठीक, देखो सबसे पहले हम लोग जब खरीदते हैं तो क्या एंट्री करते हैं? इधर से शुरू करना,
मान के चलो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2001 ले लेते हैं कि जनवरी 1 को खरीदे, कब खरीदे, जनवरी 1 को खरीदे और दिसंबर में अकाउंट बंद होता है, तो कैसे लिखेंगे, मान लो मशीन खरीदे तो इधर लिखेंगे, यहाँ पर एसेट्स का नाम लिखेंगे मशीन अकाउंट, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे कैश प्राइस जितना में खरीदे हैं, और सेम डेट में देखो सेम डेट में डाउन पेमेंट होगा, सेम डेट में क्या होगा, ये दो देखो तुम अच्छा समझो फॉर्मेट, यहाँ डीपी डाउन पेमेंट लिखेंगे, तो जब भी अकाउंट बना एक क्वेश्चन में या तो एक एंट्री रहेगा नहीं तो क्या रहेगा अकाउंट रहेगा, तो अगर नेसेसरी अकाउंट बोल देगा सबसे पहले बनाएंगे हम लोग हायर वेंडर अकाउंट, तो जब बाई साइड से शुरू करेंगे हम, दिमाग में याद रखना जनरल से लेजर बनता लेकिन वहां उतना कौन दिमाग लगाएगा, बाय साइड में लिखेंगे बाय एसेट्स अकाउंट, तो ये दो एक एक डेट में लिख देंगे, उसके बाद एक साल बाद इंटरेस्ट लगेगा, क्या लगेगा इंटरेस्ट, यहाँ लिख देंगे इंटरेस्ट अकाउंट या इधर, फिर एक साल बाद इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट भी पेमेंट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट, यहाँ पर लिख देंगे इंस्टॉलमेंट, क्या लिखेंगे इंस्टॉलमेंट, जो बचेगा टू बैलेंस सीडी, ठीक है, जो बचेगा वो क्या हो जाएगा टू बैलेंस सीडी, फिर अगला साल, ठीक है, जब फिर अगला साल 2001 के बाद क्या आ जाएंगे 2002 में जनवरी 1 को जो सीडी वही क्या हो जाएगा बाय बैलेंस बीडी, फिर देखो तुम सेम टू सेम 2002 दिसंबर 31 को, बार बार ये दो को बैंक नहीं होगा एक तो बैंक होगा किसी भी इंस्टॉलमेंट का, सिर्फ किसका होगा इंस्टॉलमेंट का, ठीक है, जो बचेगा फिर टू बैलेंस सीडी हो जाएगा, इसी तरह चलते रहेगा, तीन साल बोलेगा तो तीन साल, चार साल बोलेगा तो चार साल, पांच साल बोलेगा तो पांच साल, जितना साल रहेगा ये सीडी सीडी बीडी बन जाएगा, फिर लिखेंगे हम लोग क्या यहाँ पर एक चीज भूल गए, दिसंबर 31 को बाय इंटरेस्ट टू बैंक, बाय इंटरेस्ट टू बैंक प्रत्येक साल लिखाते जाएगा, बाय इंटरेस्ट टू बैंक, बाय इंटरेस्ट टू बैंक, जितना साल रहेगा जो सीडी बचते जाएगा वो अगला साल में क्या होते जाएगा बीडी होते जाएगा, एसेट्स अकाउंट यहीं से बना लो, देखो बाय में मशीन है, ये तो हम लोग इंटर फर्स्ट ईयर में भी पढ़े थे डिप्रिसिएशन में चैप्टर में, टू किससे आ रहा है तो हायर वेंडर अकाउंट से आ रहा है, बाय में है बाय में है तो टू में लिखेंगे, कौन अकाउंट से आ रहा है हायर कैश प्राइस लिखेंगे, इसमें प्रत्येक साल देखो क्या लिखाएगा लास्ट डेट में दिसंबर 31 को बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट, जितना डिप्रिसिएशन लगेगा जो बचेगा टू बाय बैलेंस सीडी, इसी तरह चलते जाएगा दो साल तीन साल जितना साल बोलेगा सीडी बीडी हो जाएगा फिर डिप्रिसिएशन, लिख लो इसको फिर बताते हैं, इन द बुक्स ऑफ, देखो यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, हायर वेंडर कौन कौन अकाउंट बनाता है, तो देखो उसमें दो छोड़े हैं, ठीक है, वो सिंपल है, जब क्वेश्चन बनाएंगे तो तुरंत बता देंगे, ठीक है ना, उसमें इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन छोड़ दिए हैं, इसमें भी देखो सबसे पहले यही बनाएगा हायर परचेजर, क्या बनाएगा फॉर्मेट दे देना पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट और पार्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, देखो इसका इधर से स्टार्ट होगा, जनवरी 1 को इस सामान बेचेगा तो लिखेंगे टू हायर सेल्स, क्या लिखेंगे टू हायर सेल्स, कैश प्राइस लिखाएगा अमाउंट में, फिर जनवरी जिस तरह उसमें दो को लिखे थे जनवरी, इसमें भी लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट डीपी, ठीक है, बाय डीपी, दो तारीख दो दो हम लोग कहोगे जनवरी 1 में बेचने का और डाउन पेमेंट रिसीव करने का, अब देखो यहाँ पर टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है, बाय इंस्टॉलमेंट, बाय बैंक अकाउंट, यहाँ पर क्या लिखाएगा इंस्टॉलमेंट दिखाएगा, जो बचेगा बाय बैलेंस सीडी, ठीक है, यहाँ भी 2001 दे देते हैं, फिर देखो 2001 उधर है, 2001 सीडी उधर है, तो इधर आ जाएंगे 2002 में जनवरी 1 में टू बैलेंस बीडी, अब प्रत्येक साल सिर्फ इंटरेस्ट का काम होगा, डेट देखो डेट लास्ट डेट में इंटरेस्ट का काम होता है, दिसंबर 31 को बाय बैंक अकाउंट इंस्टॉलमेंट लिखेंगे, और जो इसी तरह सीडी बीडी चलते रहेगा दो साल तक, ठीक, लिखो इसको, इसके बाद इसमें एक बनता है हायर सेल्स अकाउंट, क्या बनता है हायर सेल्स अकाउंट, वैसे बनता है इंटरेस्ट अकाउंट, सब भी बनता है, मेन यही है और ये है पहला साल, तो हायर सेल्स कहाँ है टू में है ना, जनवरी इधर है टू में है, तो इधर कहाँ चल जाएंगे बाय में, कहाँ चल जाएंगे
बाय में बाय कौन अकाउंट से आ रहा है, द हायर परचेजर अकाउंट से आ रहा है। और इसको हम लोग कहाँ भेजे थे, इसको हम लोग भेजे थे ट्रेडिंग अकाउंट में। लिख लो।